फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगा कि बुखार इस चेंज ऑफ वेदर की वजह से बुखार होता है। जैसे मौसम जब भी चेंज होता है तो बुखार आना स्वाभाविक सी फिनोमिना है, मतलब जनरल सी चीज़ है, बुखार आएगा। क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारी जो बॉडी होता है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से। अब जैसे बुखार आता क्यों है, तो जब वेदर चेंज होता है या फिर बहुत सारे कारण भी होते हैं, या फंगस वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे WBC होता है, वाइट ब्लड सेल कॉर्पसल्स, तो जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हमला कर देती हैं। तो जब उस पर हमला कर देते हैं तो उसमें लड़ाई फाइटिंग होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, मतलब उसको मार देते हैं। तो उस फाइटिंग के दौरान हमारी बॉडी में हीट डेवलप हो जाता है। तो जब हीट डेवलप होता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको लड़ने के लिए। तो जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, जब मैं मतलब अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप भाग जाएगा, मतलब उसको आपकी WBC किल कर देगी। अगर जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग होगा और बॉडी में एनर्जी कम होगी, पावर कम होगी, तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको डिजीज़ हो जाएगी, फिर आपको फीवर के सिम्टम आने लगेंगे। सेम इसी प्रकार होम्योपैथी का नियम है, जैसे कि वाइटल फोर्स होता है, बाद में इसको वाइटल प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया गया, तो जो हमारा वाइटल फोर्स होता है अगर वो स्ट्रांग है तो जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बट जब वाइटल फोर्स वीक हो गया, मतलब हम मेंटली वीक हो गए, तो वो जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया वो हमारी बॉडी को डिजीज़ कर देगा, सिक कर देगा, बीमार कर देगा। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है, मैं इसको शॉर्ट में ही बताऊँगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जब फाइटिंग होती है WBC की माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस, और फाइटिंग के दौरान हमारी बॉडी हीट हो जाए। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड होता है, फॉरेनहाइट में होता है 98.4 फॉरेनहाइट। तो इससे जब अब टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तो हमें फीवर हो जाता है। तो उसके बाद फीवर की भी एक लिमिट होती है कि बहुत ज़्यादा 102 फॉरेनहाइट या 103, 104 और मैक्सिमम पहुंचता है 105 फारेनहाइट। लेकिन आपको तत्काल 102 के ऊपर आपको दवा लेना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, अगर आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, और नहीं तो आप PSC CSC पे तुरंत जाइए 102 के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरली आपके घर में नॉर्मल पैरासीटामॉल होती है 500 mg, अगर एडल्ट हैं तो आप एक पहले उसको ले लीजिए, फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, ठीक है। फिर वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू डिजीज़, किस कारण से आपको फीवर आया है, वो सब की जांच हो जाएगी, उसके बाद में फिर पर्टिकुलर दवा चलेगी। तो जो फीवर के बाद सिम्टम आते हैं वो ये हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉज क्या होता है। कॉज तो आपको फंगस, बैक्टीरिया, तीन ये मुख्य कॉज होते हैं, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। फीवर में सिम्टम्स आते हैं आपके वो ये हैं कि चिड़चिड़ापन, सुस्ती, उग्रता, बिल्कुल शांत होना बुखार के लक्षण हो सकते हैं, गर्मी या शरीर को गर्म महसूस कर सकते हैं, अच्छी तरह से भोजन ना करना, तेज़ी से सांस लेना, सोने या खाने की आदतों में परिवर्तन हो जाना, बिल्कुल भूख नहीं लगता, इसमें अजीब सा एंजाइटी होती है, और इसके साथ ही साथ पेट भरा सा लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी आ जाती है। अब इसका होम्योपैथी में, अब जो बुखार के प्रकार, मतलब कितने टाइप के बुखार हो सकते हैं, जनरली मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, टाइफाइड, कालाजार, इस टाइप ऑफ फीवर में आते हैं ये। और फिर इसके बाद इनकी भी कैटेगराइज है, बहुत डीपली है। तो आपको एक मैंने मोटा मोटा बताया कि कॉमन फीवर हो रहा है, तो आपको मैं एक कॉमन दवा बताऊंगा फीवर की, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें लेने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद में आपको आराम मिल जाएगा। बताऊँगा जिसमें कई मेडिसिन का कम्बिनेशन है, और उस कम्बिनेशन को आप लीजिए, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ठीक है। ये दवा को लेते रहें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई डिजीज़ निकल के आ गई तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर पर्टिकुलर दवा चलेगी। लेकिन किसी भी फीवर में ये दवा अगर आप ले लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको वीकनेस जो हो रही है दूर हो जाएगा। आई होप मलेरिया फीवर है, डेंगू फीवर है, या नॉर्मल और भी कोई किसी टाइप का फीवर है, उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी और आपको भूख भी लगेगी। तो जो ये सिरप आता है ये एलियन कंपनी का है, इसका नाम है फीवर सिरप, तो मैं आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा। इसको लेना है कैसे, 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार लेना है एडल्ट हैं तो, अगर बच्चे हैं तो इसको 5 ml सुबह, दोपहर, शाम में लेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो कम्पोजिशन है वो एकोनाइट नेपलस है, जेलसीमियम है, बेलाडोना है, ब्राइनिया अल्बा है, सिंकोनो ऑफिशिनेलिस है, रस्टॉक्स है, साथ ही साथ नक्सोबोमिका और आर्सेनिक अल्बम और कोफिया क्लूडा, ये सारे मेडिसिन का मिश्रण है, जिसको लेने से
आपको किसी भी टाइप का फीवर हो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। और इसके बाद में आपने किसी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल है उसको दबा दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो नए पेशेंट हैं या फिर जो न्यू ऑडियंस हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, बाकी जो पुराने पेशेंट और ऑडियंस हैं वो सब्सक्राइब किए रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।